AC through RL series circuit. Please don't discuss RL series circuit. ओके अभी हमने देखा प्योर इंडक्टर में करंट लैग होता है, रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज फेज में होते हैं. आरएल सर्किट में क्या होता है, ये एक रेजिस्टर है और सीरीज में क्या है, इंडक्टर. इंडक्टर मतलब कॉइल, कॉपर कॉइल. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मोटर. आरएल सर्किट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, मोटर. देखा और हमने मोटर की वाइंडिंग देखी, उस कॉपर को कुछ रेजिस्टेंस होता है और उसका कुछ इंडक्टेंस होता है. ओके तो ये इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस हेनरी में मेजर होता है, रेजिस्टेंस ओम में मेजर होता है. ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके ये सर्किट बनता है आरएल सीरीज सर्किट. अब इस आरएल सीरीज सर्किट को हम लोग सप्लाई देने वाले हैं, कौन सा, ये कौन सा सप्लाई सिंबल है, एसी सप्लाई. अब ये एसी सप्लाई का इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था पीएम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है. और इसमें से जो करंट सर्कुलेट होगा उसको हम नाम देंगे आई ऑफ टी. अब करंट का डायरेक्शन नहीं रहेगा, एक्चुअली मैं एक मोमेंट डायरेक्टली बता रहा हूं. ये प्लस और माइनस कब का है, स्नैपशॉट है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के. बाद में इधर प्लस होगा माइनस होगा, करंट रिवर्स होगा. जो करंट जाएगा इसमें से I of t, that in that is actually Im sin of omega t minus theta. और phi, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करते हैं phi. What does it indicates? अगर ये रेजिस्टर की केस में ये phi नहीं होता था, दोनों ओमेगा टी होते थे, मतलब व्हाट, दे आर इन फेज. इंडक्टर में ये एंगल कितना होता था, एग्जैक्टली पाई बाय 90 डिग्री फेज शिफ्ट. यहां पे एंगल नाइदर 90 नॉर जीरो. दिस पाई इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन पाई बाय जीरो. की कौन सी केस होती है, रेजिस्टर वाली केस. पाई बाय 2 कौन सी केस होती है, प्योर इंडक्टर. मतलब प्योर इंडक्टर है तो ये एंगल कितना होता था, पाई बाय 2, और प्योर रेजिस्टर है तो जीरो होता था. इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहां बन जाएगा, ये करंट और वोल्टेज में एक फेज एंगल प्रोड्यूस होगा, इसको हम बोलते हैं फेज शिफ्ट. पाई से क्या होगा, इन मतलब अगर आप वेव फॉर्म बनाते हैं, ये अगर वोल्टेज की वो फॉर्म है, रेफरेंस क्या लिया मैंने, वोल्टेज, ये कौन है, वी ऑफ टी है. तो करंट की वो फॉर्म इसके पीछे वाली, देखो ये एंगल कितना है, पाई बाय 2 है, 90 डिग्री पे पिक जाता है ना, तो ये यहां पे आया फाई, ये एंगल है फाई, दोनों के बीच का. और यहां से जो वेवफॉर्म बनेगी इस तरह की, ये किसकी वेवफॉर्म बना रही, बन गई करंट की वेवफॉर्म. कितने एंगल से पीछे है करंट, देखो ये जब शुरू होता है, यहां शुरू होता है तो ये फाई के बाद शुरू होता है. हाँ ये पाई बाय 2 से शुरू होता है, अगर प्योर क्या होता, इंडक्टर होता. और ये फाई, ये डायरेक्ट यहां से शुरू होता है, अगर क्या होता, रेजिस्टर होता. तो ये फाई इज अ फेज शिफ्ट प्रोड्यूस. ओके अभी इसके ऊपर से आप पावर डायग्राम बना सकते हैं. पावर डायग्राम कैसे बनती है, इंस्टेंटेनियस पावर, इसको हमने नाम दिया पी ऑफ टी. पी ऑफ टी इज गिवन बाय व्हाट, V of t into I of t. The power diagram is, देखो इतने एरिया में करंट, वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो पावर कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी. यहां पे देखो इतना एरिया, दोनों पॉजिटिव है, तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, पावर आएगी नेगेटिव. समझ रहे आपको,
करंट, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पावर निगेटिव आएगी, और यहाँ पे साइकिल एक साइकिल कंप्लीट यहाँ हो रहा है, यहाँ पे तो पॉजिटिव सेक्शन और निगेटिव सेक्शन में कौन सा सेक्शन बड़ा है? पॉजिटिव सेक्शन बड़ा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ पावर क्या होगी, कंज्यूम हो रही। रेजिस्टर में हमने देखा पूरा पॉजिटिव आता था, मतलब व्हाट, सारी पावर क्या हो रही थी, कंज्यूम हो रही थी, मतलब वो हीट में क्या हो रही थी, कन्वर्ट हो रही। ये निगेटिव पार्ट क्यों आ रहा है? बिकॉज इंडक्टर रिटर्न्स एनर्जी बैक। पॉजिटिव पार्ट क्यों आ रहा है उसमें, मतलब ओवरऑल प्लस और माइनस का टोटल एवरेज अगर आप निकालते हैं तो ये पॉजिटिव पार्ट ज्यादा आएगा, और वो पॉजिटिव पार्ट को ही हमने नाम दिया कौन सी पावर, एक्टिव पावर, जो एक्चुअली रेजिस्टर में क्या होती है, डिसिपेट होती है, मतलब रेजिस्टर हीट होता है वो आप दूसरे फॉर्म में मिलती है, दैट इज डी आई साइन ऑफ, ये कैलकुलेशन के बाद, इंटीग्रेशन वगैरह करने के बाद, दिस एक्टिव पावर में ये V क्या है? V is RMS वोल्टेज। ये कैसे मिलता है? ये Vm है ना? ये कैसे मिलता है? Vm upon root 2। I क्या है? RMS करंट। ये कैसे मिलता है? Im upon root 2। अभी आपको क्वेश्चन आया करंट कैसे मिलता है, तो करंट के लिए हमें एक कंसेप्ट सीखना है यहाँ पे इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस क्या चीज है वो हम पहले जानेंगे, और फाइ कौन सा एंगल है, दोनों के बीच जो एंगल प्रोड्यूस हुआ है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। देखो करंट का फेज लिया मैंने रेफरेंस, करंट लिया रेफरेंस, अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज Vrm, इसके अक्रॉस का वोल्टेज Vln, और टोटल इनपुट वोल्टेज क्या है V, और टोटल जो करंट है वो I। ये सारे जो लिख लिए मैंने ये RMS लिख लिए, ये स्मॉल जो लिख लिए वो कौन से थे, इंस्टेंटेनियस, और कैपिटल जो लिख लिए दैट इज RMS। समझ में आ रहा है? हमें ट्राइंग फेजर डायग्राम बनाते हुए कौन सी वैल्यूज लेना है, सिर्फ RMS। तो RMS करंट आए, रेफरेंस लिया मैंने, अब मुझे पता है VR और I एक दूसरे को कैसे होते हैं, फेज में होते हैं। VR यहां आएगा, ओवरलैप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं। What about VL? VL करंट के आगे रहेगा या पीछे रहेगा? VL आगे रहेगा, करंट लैग होता है इंडक्टर, मतलब ये आएगा आपका कौन, ये तो आपका जो पिछला बैकग्राउंड है, रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं, इंडक्टर में करंट पीछे होता है वोल्टेज आगे होता है, भाई एंगल, ये एंगल कितना है 90 डिग्री एंगल, ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हुआ। ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ यूनिट में पढ़ते हैं, यहाँ पे उसको अप्लाई किया हमने लास्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लिया था। अभी इन दोनों का वेक्टर सम कौन है, अप्लाइड वोल्टेज। अब हम ऐसा अज्यूम करते हैं इस रास्ते पे एक यूनिट वेक्टर जे, अपने एंट्री में यूनिट वेक्टर पढ़ा हो, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं हम लोग, तो दोनों वेक्टर का वेक्टर सम, ये जो है डायगोनल, ये क्या है V, V मतलब व्हाट, अप्लाइड वोल्टेज। तो आपको क्या पता चला, V इज इक्वल टू VR प्लस जे VL। ये सिंपल सम नहीं है, ये कौन सा सम है, अगर मैं जे नहीं लगाता तो क्या होता, आपको क्या लगता, सिंपल सम नहीं है, मतलब सिंपल सम कैसा होता है, मान लो ये 2 है और ये वेक्टर 3 है, तो इन दोनों का पाइथागोरस से आपको रिजल्टेंट मिलता है वो क्या होता है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, और सिंपल सम क्या होता है, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा डिफरेंस, तो दिस
सिंपल सम, ये जे नहीं लगाओ तो क्या होगा, आपको क्या लगेगा, सिंपल सम हो रहा है। इट इज नॉट अ सिंपल सम, इट इज अ वेक्टर सम। तो v का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, v का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ vr स्क्वायर प्लस vl स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। अब ये हो गया उसका वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने एक्सप्रेशन, ये उसका मैग्नीट्यूड है सिर्फ, मतलब ये ले, ठीक है। अब मुझे पता क्या चलता है, ये v और ये r, फाइनली देखो ये r है, ये v है, इनके बीच कितना एंगल आता है phi। अब ये phi कैसे मिलेगा वो भी हम सोचते हैं कि ये phi है, ये वाला phi, समझ रहे आपको phi कहाँ है, वो आप tan उससे भी मिल। अभी देखो vr is equal to what, vr is equal to r into r, कौन सा लॉ लगा दिया, ओम्स लॉ, vl is equal to r into, इसके रिलेटेड एनालॉगस टर्म होती है एक्सेल, ये भी आप फोर्थ यूनिट में पढ़ते हैं। जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का क्या होता है, इसको एक नाम है, इसका नाम है एक्सेल, एक्सेल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये किस पे डिपेंड करता है, ओमेगा एल, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई एफ एल, व्हाट इज एल, इसका इंडक्टेंस। तो ये एक्सेल वेरी सिमिलर टू रेजिस्टर, एनालॉगस टू रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और वी क्या लिखते हैं, अभी आर और एक्सेल का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे बोलते हैं जेड, क्या बोलेगा, जेड इज व्हाट, ये क्या है, वेक्टर सम आएगी फिर से, आर ये एक्सेल, जेड का नाम है इंपीडेंस, क्या बोलेगा, इंपीडेंस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। अब एक ट्राइंगल और बनाएंगे हम, देखो इन तीनों को कंसिडर करके हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, वो ट्राइंगल कैसे बनेगा, vr, vr कौन है, vr is what, i into r, ठीक है, vr is i into r, ये वेक्टर, ये इधर है, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं ना ऐसा, ये वेक्टर, ये क्या लिखता हूँ मैं, vl is i into xl, इस रास्ते का यूनिट वेक्टर क्या है, z, v क्या लिखता हूँ, लिखता हूं मैं I into that। अब सब में से I कॉमन निकाल लिया हमने, तो वेक्टर्स इसका रिडक्शन हो जाए, और वो जो ट्राइंगल बनेगा वो R, ये J XL, और इधर आ गया आपका Z। तो ये ट्राइंगल जो बन गया का नाम है इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल। तो हम क्या लिखते हैं, z इज इक्वल टू वेक्टर में कैसे लिखेंगे, r प्लस jx वेक्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। मैग्नीट्यूड ऑफ z इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर। और आपको चाहिए करंट, देखो अभी करंट और जेड इधर, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट इज इक्वल टू वी अपॉन वी अपॉन, तो जेड ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। हम इसके इसको कैलकुलेटर पे या पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, ये फाइ मुझे कैसे मिलेगा, देखो इस ट्राइंगल में फाइ इधर है, pi is what, अगर मैं cos pi लिखूं तो क्या आएगा, r by z, sin pi लिखूं तो क्या आएगा, xl upon r, अलग अलग वे से मुझे phi मिल सकता है, sin inverse of xl upon r, tan inverse of, sorry, sin phi is, sorry, sin phi is xl upon z i, okay, phi can be what,
टाइम फाइ क्या आएगा टाइम एक्सेल अपॉन आर आएगा फाइ इज टेन इनवर्स ऑफ एक्सेल अपॉन इन एनी वे अब नंबर ऑफ फेस इन फाइ ढूंढ सकते तो फाइ और जेड इसका एक फॉर्म ऐसा भी लिखते हैं जेड एट एन एंगल ऑफ फाइ इस फॉर्म को कैल्सी में हम लोग क्या बोलते हैं पोलर अपने कैल्सी में सीखा होगा रेक्टेंगुलर टू पोलर मतलब ये फॉर्म में लिखा आपने रेक्टेंगुलर ये फॉर्म में लिखा आपने पोलर अभी करंट ढूंढते वक्त हम कैसे लिखते थे वोल्टेज का एंगल जीरो मानते वोल्टेज रेफरेंस है यहाँ पे वोल्टेज का एंगल जीरो अपॉन जेड एट एन एंगल ऑफ फाइ तो करंट क्या आएगा v अपॉन z एट एन एंगल ऑफ माइनस फाइव ये माइनस फाइव क्या इंडिकेट करता है करंट इज लैगिंग बिहाइंड एंगल फाइव तो इस तरह सारे कैलकुलेशन हम एक सम लेंगे जिसमें हम सारे कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली कहाँ से शुरू करना है सबसे इम्पोर्टेंट आर एल से इस सर्किट को हमने क्या अप्लाई किया है वोल्टेज वोल्टेज का क्या पता है आपको वी एम और ओमेगा पता है ओमेगा इज टू पाई फ्रीक्वेंसी पता सप्लाई वो कहाँ से जनरेटर ने बोला और वीएम कहाँ से आया जनरेटर ने बोला जनरेटर में क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड कैसा है नंबर ऑफ टर्न्स कैसे है वो हिसाब से ये दोनों डिसाइड होंगे आप कौन से स्पीड से घुमाते हैं ओमेगा और जनरेटर का जो वाइंडिंग है आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसने वीएम बोल ये आपने इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दी जनरेट कर अब ये इलेक्ट्रिसिटी आपने किसको अप्लाई की एक आरएल सर्किट को मतलब मोटर मोटर में क्या फ्लो हुआ करंट लेकिन मोटर में जो करंट फ्लो हुआ वो और वोल्टेज में क्या बन गई है फेज शिफ्ट कितना एंगल पीछे बढ़ गया करंट फाइव अब ये फाइव किस पे डिपेंड है ऑफ कोर्स यहां से देखो तो ये फाइव एक्सएल पे डिपेंड है और आर पे डिपेंड है एक्सएल किस पे डिपेंड है ओमेगा एल इंडक्टेंस पे लो वाइंडिंग पे मतलब एट द एंड एंगल किस पे डिपेंड है वाइंडिंग कैसी है मोटर कैसी ओके तो ये दोनों में जो ये एंगल कैसे बना ये मैंने यहां पे एक्सप्लेन आई को रेफरेंस किया वीआर क्या था आई के फेज में था वीएल कैसा रहा लीड किया उसने करंट अब इन दोनों का वेक्टर सम क्या बन गया आपने जो वोल्टेज दिया वो वी तो वी बन गया वीआर प्लस जे वीएल मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे अब वी इज आईआर वीआर इज आईआर वीएल इज ये फॉर्मूला इन सब में से आई कॉमन लिया हमने ये ट्रायंगल बन गया ये ट्रायंगल जो बन गया इसका नाम क्या दिया हमने इंपेडेंस ट्रायंगल और इंपेडेंस ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं इंपेडेंस फाइंड इंपेडेंस का यूनिट भी ओम है एक्सएल का यूनिट भी ओम है इतना ही है इंपेडेंस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ओके तो आप कुछ सम्स लेंगे ऐसा आपको दिया जाएगा आरएल सीरीज सर्किट आपको इनपुट दिया जाएगा वोल्टेज और आपको पूछेंगे करंट कितना जा रहा है फेज शिफ्ट कितनी हो रही पावर कितनी ये जो पावर है इसका नाम क्या बताया मैंने एक्चुअल इसका यूनिट क्या है ये एक्चुअल पावर क्या हो रही है डिसिप्लिन रिएक्टिव पावर है जो आपको लगेगा कि डिसिप्लिन हो रही है लेकिन वो रिटर्न आ रही है That is VI sin phi. So reactive power बोलते हैं और apparent power लोगों को जो लगता है कि जो apparently दिखता है वो क्या दिखता है voltage into current इसका unit है watt इसका unit है ये तीन units इन सारे सबसे important कौन सी power है जो सही में क्या हो रही है consume इधर देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है जो पॉजिटिव पार्ट है ओवरऑल प्लस माइनस करके दैट इज रियल पावर और जो रिटर्न आ रही है दैट इज लेकिन लोगों के हिसाब से अपेरेंटली क्या लगता है लोगों को ये तीन कैलकुलेशंस इसमें फाइव कैसे मिलेगा यहां मिलेगा इसके लिए क्या जरूरी है
एक्सेल हो रहा है, एक्सेल कहां से मिलेगा? इसके लिए क्या जरूरत? फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस। इसके ऊपर से जेड मिल सकता है, इंपेडेंस मिल सकता है, करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। समझ में आ रहे हैं आपको सारे टर्म्स? सो दिस इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट हमने क्या अप्लाई किया इसको देखो आपको क्या दिया है रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम इंडक्टेंस 5 मिली एम आपको वोल्टेज दिया एसी एसी है नहीं 230 वोल्ट कुछ भी नहीं लिखा है मतलब कौन सी वैल्यू आरएमएस फ्रीक्वेंसी एम्पीयर्स देखो वी कितना है 230 वोल्ट आपको आई पूछा है आई करंट आरएमएस करंट और पावर एक्टिव पावर क्या शुरू कैसे करने का देखो पहले तो एल दिया आपको एक्सेल मिल जाएगा एक्सेल एक्सेल इज व्हाट ओमेगा इनटू एल दैट इज इक्वल टू 2 बाय एल व्हिच इज इक्वल टू 2 इनटू पाई इनटू व्हाट इज फ्रीक्वेंसी 50 इनटू इंडक्टेंस 5 इनटू माइनस ये लिया एक्सेल समस्या का एक्सेल लिया अभी Z क्या होता है? Z is R plus J XL. What is R? 2 plus J. ये कितना आता है? देखो तो कैल्सियम. ये आपका R ठीक है R ये J XL और ये क्या है Z Z ये एंगल phi ये इस केस में कितना आया ठीक है ये ट्रायंगल बन गया अभी करंट चाहिए आपको करंट RMS करंट R is V upon Z वोल्टेज RMS कितना है 230 हम उसको रेफरेंस मानते हैं एट एन एंगल 0 अपॉन z क्या है 2.54 एट एन एंगल ऑफ 38.1 अब ये एंगल ऊपर जाएगा माइनस होगा 0 माइनस और ये मतलब आएगा 230 अपॉन 2.54 at an angle of minus 38.13.
कितना आया थे? 90.55 at an angle of एम्पियर। समझ में आ रहा आपको? देखो अभी ये हो गया करंट, करंट समझ में आया आपको? ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है उसका एंगल। इधर देखो अभी पावर क्या है, पावर, एक्टिव पावर क्या है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड इनटू पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई। व्हाट इज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना? 230। इनटू करंट का मैग्नीट्यूड कितना? 90.55 इनटू कॉस ऑफ एंगल कितना? 38.1। रिएक्टिव पावर वाट में आएगी, वाट, ये जो भी आंसर आएगा वाट में। 16.38 जो भी आएगा, ठीक है, समझ में आया?